क्या हो रहा है भाई? अरे ये क्या है? ये इतना सब कुछ एक साथ? खैरियत है? कोई मेहमान आ रहा है या के लॉटरी निकल आई है जो इतना एहतमाम हो रहा है? आपको शायद याद नहीं, आज हारून की बर्थडे है। हाँ तो बर्थडे का मतलब यानी इतना सारा कुछ पका के उस सामने रख दोगी? मैंने सोचा आज हम उन्हें सरप्राइज दे दें, खुश हो जाएंगे। कोई बाहर से भी आ रहे मेहमान वगैरह? जी नहीं, बस हम घर वाले ही हैं। हाँ तो दिमाग खराब है, घर के चार लोगों के लिए इतना कुछ पका के तुम? भाई हद होती है, वैसे महंगाई देखो कहाँ है और तुम अपनी क्या खर्चियां देखो। इतनी मेहनत से मेरा बच्चा कमाता है और तुम यूँ एक झटके में खर्च करके उड़ा देती हो सब। अम्मी आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सारी ग्रोसरी मैंने अपने पैसों से ली है। ज्यादा मेरे सामने ना जबान चलाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मुंह में जबान ही नहीं थी और अब कैंची की तरह चर 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 चलती है। मैंने तो हारून से कहा था कि जो इसकी फरमा बरदारी और वफादारी है ना, सब 4 दिन का दिखावा है और तुमने भी कुछ महीनों में ही बता दिया कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। अम्मी आपको मेरे खानदान के बारे में बोलने का कोई हक नहीं। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है तुमको। सारी दुनिया जानती है कि किस नीच खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा। घर से भागी हुई 2 टके की लड़की, तो कौन करता है शादी? तो मेरे बेटे की मेहरबानी है तो उसने हमदर्दी करके तुम जैसी से शादी कर ली, वरना कहां तुम और कहां मेरा बेटा। और क्या ये तुम मुझे हर वक्त जो है वो ट्यूशन के पैसों के ताने देती हो? हैं? तुम कोई अकेले नहीं पढ़ाती ट्यूशन, मेरी बच्ची भी तुम्हारा साथ देती है, मेहनत करती है तुम्हारे साथ, और तुम क्या पढ़ाओगी ट्यूशन? हैं? पता नहीं कौन से घटिया से स्कूल में पढ़ाती भी आई हो, तुम्हें तो पढ़ाना भी नहीं आता। सारी मेहनत मेरी बच्ची करती है और तुम सिर्फ 5,000 रुपए उसके हाथ में रखती हो। ये जितनी तुम्हारी अय्याशी है ना, वैसे भी सिर्फ ये ट्यूशन के पैसों पे नहीं हो रही। ठीक ठाक भारी पॉकेट मनी लेती हो तुम हारून से, तभी तो वो मुझे घर का खर्चा नहीं देता। जवाब दो ना, बोलती नहीं हो। अरे आप बोलो भी। बोलू तो मसला, ना बोलू तो मसला, आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? बात है अम्मी, क्यों भाभी के पीछे हाथ धोकर आप पड़ी रहती हैं? अरे मैं कहाँ हाथ धो के उसके पीछे पड़ी हूँ, कितनी लंबी कैंची जैसी जबान है इसकी। मैंने तो अभी बात ही शुरू की थी कि वो देखो कितनी बातें सुना के चलती बनी। आपको पता तो है अम्मी, वो बच्चे ना होने की वजह से कितनी चिड़चिड़ी हो गई है। आप भी बात करते हुए थोड़ा मोहतात रहा करें ना। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा बिल्कुल मोहतात रहूंगी तुम्हारी भाभी से भी बात करते हुए और तुमसे भी, क्योंकि वो तो बच्चे ना होने की वजह से चिड़चिड़ी है और तुम शादी ना होने की वजह से। तौबा है, इस घर में तो हर शख्स आसमानों से बातें कर रहा है, किसी को भी कुछ कह दो बस बुरा लग जाता है एक मिनट में।